नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला थोक फल एवं सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष राकेश सिवईवार ने कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश के दौरान लगने वाली फीस माफ किए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। राकेश सिवईवार ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी समय में खुलने वाले स्कूलों और महाविद्यालयों में बच्चों के प्रवेश शुल्क की राशि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक बोझ लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं संचालित कर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ये भली भांति जानते हैं कि इस दौर में प्रदेश का गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, इसलिए भावशीलता के आधार पर हमारी मांग है कि कोरोना काल की त्रासदी में आर्थिक संकट से जूझ रहे इन परिवारों के बच्चों की फीस माफ करने का आदेश मुख्यमंत्री पारित करें। साथ ही थोक सब्जी व्यापारी संघ बालाघाट द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय का स्वागत किया गया। आज हम लोगों ने हमारे छोटे भाई जो विद्यार्थी है उनको निशुल्क पढ़ाई की जाए, ऐसी हमारी मांग थी मुख्यमंत्री जी से। कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहेंगे कि आपकी इतनी अच्छी योजनाएं चल रही, जैसे संबल कार्ड में हम लोग संबल कार्ड हो गया, साइकिल वितरण हो गया, भोजन वितरण हो गया, ड्रेस वितरण हो गया, पुस्तक वितरण हो गया, तो उसमें एक वितरण और कर दी जाए कि जितने भी गरीब और जितने भी मध्यम वर्गीय के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे ये होगा कि जो आज 1200 से 1500 रुपये जो स्कूल में लग रहे हैं उसको ना लगते हुए निःशुल्क होना चाहिए पढ़ाई। और जब इतने पैसे सरकार कर रही है खर्चा, तो 1200 भी निश्चित ही कर सकती है हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हमारे, वो ज़रूर हमारी मांग को पूरी करेंगे। और जैसे कि मान लो प्राइवेट स्कूल का आता है, तो प्राइवेट स्कूल में जो वहाँ के पेरेंट्स हैं और गार्जियन है, वो उनके बारे में उनके साथ हम लोग देख के बात करके उनकी समस्या दूर करेंगे। पर आज की समस्या हमारी सरकारी स्कूल में है, जो 1200 से 1500 रुपए सालाना लेती थी। कई कोविड-19 के चलते दो बार से हमारे यहाँ कोविड-19 चल रहा है, इससे बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। उससे ये हुआ है कि वो 1500 भी अभी आने वाले समय में 15 जून से स्कूल खुल जाएगा और उनके पास 1500 रुपये नहीं है। तो हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि उनको निःशुल्क पढ़ाई की जाए और उनको फ्री एडमिशन की जाए। फीस वापसी के लिए हमारी मांग है कि जितने भी 10वीं 12वीं 11वीं वाले को जो फीस ली गई थी उनकी परीक्षा तो हुई नहीं, तो उनकी भी फीस वापसी करके उनको एक आर्थिक रूप से जो उनके खुद के पैसे उनसे मदद की जाए। कॉलेज वाले भी, पॉली वाले भी, क्या उनको भी इसमें? कॉलेज वाले और पॉली वाले सारे लोगों की हमने व्यवस्था रखी है कि मुख्यमंत्री जी को बोले हैं कि भाई इनकी भी फीस माफ करके इनको भी पढ़ाई निःशुल्क दी जाए। जो युवा शक्ति हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, आज वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए, कहीं ना कहीं कोरोना से उनके माता पिता, कहीं ना कहीं उनको ऐसी चीज़ों के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अभी जैसे कोविड-19 हमारे पास, हमारे यहाँ दो साल से चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार की बहुत सारी नई नई योजनाएं हैं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो बहुत अच्छी चल रही है। उसी में हम लोगों ने उनसे मांग की है कि जितने भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने के प्रयास करें, क्योंकि अभी तक के हमने देखते आए कि कम से कम 2200 से लेके तो 1000 रुपये फीस लगती है, जिसमें वो लोग किस किस चीज़ का लेते हैं तो हम लोग ने जानने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि जो कोविड-19 के पहले जो लोगों ने पैसे दिए हम लोग उसका भी जिक्र इसमें नहीं कर रहे। पर जो कोविड-19 आया है उसमें आज एक आर्थिक स्थिति गरीब की और यहाँ की जनता की बहुत दिक्कत में है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उनकी फीस माफ़ हो। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो फीस माफ़ करके शिक्षा अच्छी देने की कृपा करें। और जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है, मुख्यमंत्री योजना में भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है, ड्रेस की अच्छी व्यवस्था होती है, साइकिल की अच्छी व्यवस्था होती है, और क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलिए काफ़ी पुस्तक, जो पुस्तकें रहती विद्यार्थियों के लिए कुछ उसकी अच्छी व्यवस्था होती है। जब हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जो बच्चों के मामा भी कहलाते, तो हमसे उनसे निवेदन है कि वो निःशुल्क
शिक्षा बच्चों को दे, निःशुल्क स्वास्थ्य जो रहता है बच्चों का वो दे, उससे ये होगा कम से कम कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है अभी वो पढ़ेगा। हमको मालूम है मुख्यमंत्री जी जब 75% से 80% कोई बच्चा लेके आता है तो वो उनको 50,000 से 75,000 रुपये का पैकेज देते हैं, उनको लैपटॉप देते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, ये सारी चीज़ हम उनकी बहुत अच्छे से माने हैं और हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमको कहीं से कहीं तक की उनसे दिक्कत नहीं। पर हमारी ये मांग है कि उनको जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाए। और मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार करते हैं, पूरी मंत्रिमंडल का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस कोविड-19 में उन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षा ना होते हुए सबको पास करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ का नौजवान है वो कहीं ना कहीं कोरोना से इफेक्ट होता तो उससे बचने के लिए जो हुआ और इनने जो पूरे मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श करके 10वीं और 12वीं की परीक्षा और 9वीं और 10वीं की परीक्षा पूरी तरीके से पास करने का जो निर्णय लिया उनका स्वागत करते हैं। हम बालाघाट जिले से, मैं राकेश सिवेवाल सब्जी मंडी की तरफ से उनका धन्यवाद पेश करता हूँ और ऐसे समय जो उन्होंने कोविड में ऐसी सोच दिखाई उसके लिए बहुत धन्यवाद। परीक्षा रद्दी हुई तो इन्होंने 2500 रुपये दिए थे विद्यार्थियों, प्रशासन ने वापस करना चाहिए। जैसे कि 9वीं और 10वीं की जो एग्जाम फीस होती है वो सरकार ने ले ली और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा जरूर होगी। अब ये जरूर परीक्षा होगी पर कुछ समय पहले ये निर्णय हुआ कि सबको पास की जाए, तो हमारी तो मुख्यमंत्री जी से और सभी से यही मांग है कि ये भी जो फीस है उसको भी विद्यार्थी को वापस होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सरकार बच्चों के आगे ही है कोविड लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए एक जिले में 50 से 40 विद्यार्थी रहते हैं, उनको इंजेक्शन लगाना परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए वो बैंकों के अपना अपना निर्णय है। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ मजबूरी है, कहीं ना कहीं हम लोगों की मजबूरी। आज कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा स्कूल में जाके कोरोना से बीमारी इफेक्ट हो जाए, तो वो बच्चा भी नहीं जाना चाहता, माँ बाप भी नहीं भेजना चाहते और सरकार हमारे नौजवान को एक फौजी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले समय में, इस कारण से वो चाहती है कि वो जो बच्चे हैं वो हिफाजत में रहे। उनके भविष्य के बारे में आप देखिए सरकार का और वो बच्चों का क्या तालमेल बनता है ये हम बालाघाट में नहीं सोच सकते, ये सरकार और मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो कैसे उनको टेकअप करती है और क्या करना चाहती है उनके लिए। हमारा तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो अच्छे से अच्छा शिक्षा के लिए करें, स्वास्थ्य के लिए करें और भारत की जनता के लिए करें। आपके मुख्यमंत्री जी ने जो पास कराया है 30% गांधी विज्ञान दे रहा बच्चों को, अच्छी नौकरी कैसे मिल पाएगी? अब वो तो भाई साहब वो क्या है मुख्यमंत्री और वहाँ के जो मंत्री का जो था उसके हिसाब से नहीं। देखिए भाई साहब हमने तो ये नहीं बोले कि वो उन्हें पास कराए, हमारा तो ये है कि कोविड में रहने वाला जो बच्चा अगर जाता और कोविड में इफेक्ट हो जाता तो उसके माँ बाप को फर्क पड़ता, बच्चों को फर्क पड़ता, हमारा तो इससे उनकी तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि उनने ये कोरोना काल में ऐसा काम किया। गवर्नमेंट ने एक नियम रखी है कि यदि स्कूल का रिजल्ट 12% है वो सिर्फ 2% बढ़ा सकता है, 14% कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब इसके बारे में तो मेरे को कोई जानकारी रखू भी है नहीं मैंने, जितना कि हमारी तो मांग ये है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो बिल्कुल फ्री सरकार कर रही है, हमारी मांग है और ये पूरी तरीके से यही मांग है। अब उस बोले कि बच्चों को एग्जाम नहीं ले रही गवर्नमेंट, सब कभी तो रखती है ना कि 6 मई जो एग्जाम है टेस्ट एग्जाम उसके रिजल्ट के अनुसार रिजल्ट बनना है, अब वही मेरिट लिस्ट की तैयारी कर रहा है नहीं तो उसमें अभी तक के तो मेरे को जैसे भोपाल से जानकारी मिली है जिसको अगर वो 33% या 35% में उनको नहीं रहना है तो वो सेकेंड बार परीक्षा दे के वो 50%, 60% और 80% अपने बना सकते क्यों देगा, तो 10वीं की परीक्षा दे रहा है तो 11वीं में जाने के बाद 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं।